सो गाइज, हम यहाँ से अभी इंफोसिस जो गेट है तो वहाँ से लेके हम किड स्क्वायर तक चलते हैं, तो देखते हैं क्या माहौल रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सुना हूँ मतलब माहौल काफ़ी गर्म होता है यहाँ पर, तो थोड़ा देखते हैं क्या होता है। भी देख रहे हो ना, ये टोटल एरिया में ना, देखो ये जो राइट साइड पे देख रहे हो सृष्टि लिखा है, वो भी एक वो बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज है, तो काफ़ी ना यहाँ पर मैनेजमेंट कॉलेज काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, कम से कम 5-6 मैनेजमेंट, बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो कि अफोर्डेबल होंगे। मतलब मेरे दोस्त लोगों ने कर रखे हैं यहाँ से मैनेजमेंट, तो उन लोगों को कितना वही 4-5 लाख के अंदर उनको खर्चा आता है, तो जितना भी है वो अफोर्डेबल है, और काफ़ी अच्छा कैंपस भी लगता है, मैंने जितने दूर सुना हूँ काफ़ी अच्छा कैंपस लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट भुवनेश्वर का जो ब्यूटी है, तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यहाँ पर देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और काफ़ी मतलब ज़्यादा वो होता है ना बंदों का, वो होता है मतलब ड्रीम होता है कि TCS में लगाना है, तो TCS लगाते हैं। अगर आपको राइट साइड भी दिखा दूँ, ये है DLF का साइबर सिटी, तो मैक्सिमम मतलब अभी तक उतना चला नहीं है ये बिल्डिंग, काफ़ी लॉस में चलता होगा मेरे को जितना दूर लगता है, काफ़ी लॉस में चलता होगा ये बिल्डिंग, क्योंकि सारे के सारे जो ऑफिस में जितने भी है ना, सारे के सारे बंद पड़ा है, तो नीचे बस नेक्सा ने ले रखा है, मारुति सुजुकी ने उसका वो शोरूम ले रखा है, तो उतने से तो मतलब एक बिल्डिंग से तो कुछ नहीं होता होगा फिर तो, है मतलब उतना प्रॉफिट नहीं आता होगा फिर, लेकिन काफ़ी दिनों से देख चुका हूँ मैं, ये अच्छा है। और आगे देखिए, ये जो है ना लेफ्ट साइड पे, ये भी एक वो होता है बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज है, और यहाँ पर ना आपको एक बेकरी वाले कंपनी भी मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा भी है, खुश भी आने लगा है बस। लिंगराज बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड, तो लिंगराज बिस्किट मतलब वो बेकरी वाले बिस्किट है। यहाँ पर कुछ चलता है ना, क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ नहीं, कुछ फैक्ट्री नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, वेयर हाउस, जैसे अमेजोन वगैरह का जो वेयर हाउस नहीं होता, वो उस तरह कुछ बन रहा है शायद, कुछ बड़ा बनने वाला है यार। अभी तक भुवनेश्वर में ना अमेजोन का कोई वेयर हाउस नहीं है, तो जो भी चीज़ आता है ना वो कम से कम 3-4 दिन लग जाता है डिलीवरी होने में, तो उसको थोड़ा ना काम करना पड़ेगा वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को, लगता है उसी पे ऊपर काम चल रहा है। अभी यहाँ से ना किट का सफ़र शुरू हो रहा है, हम यहाँ से वीडियो कट करते हैं और एक नया वीडियो बना के उसको अपलोड करते हैं।